चाल पे विस्तार से बात करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और बाजार की चाल में अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। जितनी भी रेट कट को लेकर ऑप्टिमिज्म थी वो काफ़ी हद तक पहले से फैक्टर हो चुकी थी, और अब मेरे ख्याल से बाजार नए ट्रिगर्स की तलाश भी कर रहा होगा। ओवरऑल माहौल कितना अपबीट था और अब कारोबार अंत होते होते तो तब्दीली हम देख रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको हम कैसे समझें? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कल भी हम जुड़े थे कविता हमारे ही चैनल ETNOW स्वदेश पर, और ब्याज दरों की कटौती को लेकर के एक वक्तव्य के अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आती तो थोड़ा बहुत उत्साह ज्यादा देखने मिलेगा, और वही देखने मिला। एशियाई बाजार आज सुबह काफी बढ़त के साथ खुले थे। हमारे यहाँ पर हमने नया शिखर बनाया निफ्टी स्पॉट पर 25,611 के आसपास का, और फिर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और नीचे तरफ के दायरे। ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखने जाए, मिड कैप स्मॉल कैप सूचकांक में बिकवाली कुछ हावी ज्यादा है, और ऊपरी स्तर से हमने दिग्गजों सूचक में भी नीचे तरफ का दायरा देखा। मेरे ख्याल से जब तक हम 25,400 के पार बने हुए हैं निफ्टी स्पॉट पर, तब तक ऊपर के तरफ के दायरे अभी भी खुले हैं। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि खबरों को लेकर के जो प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं बाजार, तो शायद उसको लेकर के स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज्यादा हरकत होती हुई नजर आएगी। सूचकांक मेरे ख्याल से दायरे बंद कारोबार करेंगे, और अगर हम 25,400 या 25,350 के नीचे जाकर के बंद देते तो शायद नीचे तरफ का दायरा और बढ़ जाता है। लेकिन अगर 25,450 के पार आज अगर बंद देते हैं या कल बंद देते हैं तो फिर से हम 25,600 के पास जाने की क्षमता रखते हैं, और शायद एक और नया शिखर बहुत जल्द हम देख सकते हैं बाजार। क्या इसकी संभावना इसीलिए भी प्रबल है क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब FIIs का इनफ्लो इमर्जिंग मार्केट्स और खासतौर से भारत की ओर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तरजीह ज्यादा मिलेगी भारत को, क्या ऐसा समझना और उस बलबूते बाजार में एक उछाल की उम्मीद करना क्या सही होगा? देखिए, विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले महीने अगर आप देखने जाएं कविता अगस्त में, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बिकवाली के तरफ पलड़ा उनका भारी था। इस महीने में अब तक जो आंकड़े हमने देखे हैं वहां पर खरीदारी के तरफ वो ज्यादा झुकाव है, और कल देर शाम जो ब्याज दरों के कटौती को लेकर के और जिस संख्या में कटौती आई है, तो अनिवार्य होगा ये विचारधारा रखना कि हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशक उभरते हुए बाजार के तरफ बिल्कुल अपना रुख करेंगे, और उस रुख करते हुए में मेरे ख्याल से हमारे भारत वर्ष के जो शेयर बाजार है वहां पर शायद उनका जो निवेश है वो थोड़ा बहुत ज्यादा आ सकता है। लेकिन कितनी मात्रा में आता है ये भी देखना अनिवार्य होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कविता के बहुत नकदी अगर शेयर बाजार में आती है तो वो भी बाजार की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं। से बात करते हैं और क्षेत्र पर उनकी राय लेते हैं। तो गौरांग, क्षेत्र पर ऑब्वियसली जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस और सिनारियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इम्पैक्ट नहीं होगा ये भी कहना सही नहीं है, लेकिन कितना गहराता हुआ हम देखेंगे इसे और कितना लंबा चलता हुआ देखेंगे स्टेबिलिटी आने तक? कविता, सीएट के ऊपर पहले कवरेज थी हमारी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आ गए थे, फिर उसको कवरेज हमने आगे नहीं बढ़ाया, तो फिलहाल कवरेज ले। लेकिन पूरा टायर सेक्टर, एक मैं बहुत ही साधारण सा उदाहरण देता हूँ आपको, देखिए टायर एक ऐसी ऐसा पुर्जा है वाहन में जो कि बहुत ही अनिवार्य है, फिर वो वाहन चाहे दो पहिया वाहन हो, तीन पहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, कमर्शियल व्हीकल हो, ट्रैक्टर या एग्रीकल्चर, टायर आइस इंजन यानी कि फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल से चलने वाली में भी जरूरत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी और सीएनजी पर चलने वाली वाहन में भी जरूरत है। दो बहुत ही अहम लागत खर्च जो बड़ा हिस्सा बनता है वो है रबर और दूसरा है कच्चा तेल। अभी मैनेजमेंट जिस तरीके से टिप्पणा कर रहे थे, मेरे ख्याल से रबर के दाम अगर थोड़े बहुत निचले स्तर पर आ जाते हैं तो बहुत अनिवार्य परिस्थिति हो जाएगी, जिससे मुनाफे के मार्जिन में भी शायद थोड़ा बहुत मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। एक्सपोर्ट मार्केट इनके पास बहुत बढ़िया है, इनके R&D भारत में भी है, जर्मनी में भी है, और रिप्लेसमेंट मार्केट इनके लिए बहुत बड़ा है। न्यू ऑर्डर मार्केट तो है ही कविता सभी टायर उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है रिप्लेसमेंट मार्केट, और एक बड़ा हिस्सा इनकी बिक्री का रिप्लेसमेंट मार्केट है। तो और जिस प्रकार से नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं कविता, चाहे वो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर या कमर्शियल व्हीकल हो या फिर ट्रैक्टर्स हो,
मेरे ख्याल से न्यू ऑर्डर मार्केट तो बहुत ही दुरुस्त रहेगा और उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना ही दुरुस्त रहेगा। तो फिलहाल जो हमारी कवरेज है वो जेके टायर है और अपोलो टायर है, लेकिन ये कंपनी भी एक बहुत ही सक्षम ग्रुप की तरफ से आती है, आरपीजी ग्रुप, और इनका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है। की ओर बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। ये खबर हम समझेंगे हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के झटके से वोडा आइडिया और इंडस टावर्स के शेयर की पिटाई हुई है, लेकिन भारतीय एयरटेल इस खबर से बेअसर दिखाई दे रहा है और इसमें ज़बरदस्त तेजी भी देखी जा रही है, लगभग 2 से 2.5% की। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर पूरा करेंगे विश्लेषण हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। तो पहले सुमित मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि खबर क्या है तो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं गिरावट का, जरा खबर समझाइएगा पहले। सुप्रीम कोर्ट से आज टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा, जिसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के जो ड्यूज हैं उनको लेके एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है। एजीआर केस अगर बताएं तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये होता है जिस पर टेलीकॉम कंपनियां लाइसेंस फी देती हैं और दूसरी फीस देती हैं। इससे ये होता है कि इनको टेलीकॉम कंपनियों को कुछ राहत चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने नॉन कोर जो रेवेन्यू होता है उसको इसमें शामिल कर लिया था। इससे उनका पूरा एजीआर बढ़ गया था, इसलिए उनको फीस, स्पेक्ट्रम फीस, लाइसेंस फीस ज्यादा देनी पड़ती। अब ये मुद्दे की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया तो कंपनियों इसके के लिए इसके और कोई चारा नहीं है, जबकि उन्हें और ज्यादा एजीआर पे ही अपने सारे जो जो स्पेक्ट्रम ड्यूज है, लाइसेंस ड्यूज है, चुकाने पड़ेंगे। सरकार की का ही ये सुझाव था और इसके बाद उनको कुछ रिलीफ दी गई थी कि स्टेगर्ड वे में कुछ सालों में इसे पे करें, बट कंपनियां नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, जिसके बाद उन्हें इस पे बड़ा झटका लगा है। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं अभिषेक के पास। और अभिषेक बताइए, यहाँ पर भारतीय एयरटेल इस खबर से बेअसर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कविता, भारतीय एयरटेल बेअसर दिखाई दे रही है और बेअसर दिखाई देना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के फाइनेंशियल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम भारतीय एयरटेल के अगर हम निवेशकों के लिहाज से बात करें तो वोडाफोन आइडिया की अगर दिक्कतें बढ़ती हैं, अगर वोडाफोन आइडिया अगर अपना मार्केट शेयर लूज करता है तो उसका बड़ा बेनिफिशियरी भारतीय एयरटेल होगा। और करीब करीब जो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का एजीआर बकाया है भारतीय एयरटेल का, अगर उनके नेट डेट टू एबिटडा के अगर हम रेशियो की बात करें तो उस पैरामीटर पर उनके लिए देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, सितंबर 2023 में कंपनी ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी। क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि समीक्षा याचिका के बाद जो अर्जी फाइल की जाती है, एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट होता है आपके लिए अपनी बात को रखने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। और जो एजीआर का जो बर्डन है वोडाफोन आइडिया पर वो है करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का। लगातार कंपनी अपने मार्केट शेयर खो रही है। अगर आप मार्केट शेयर की बात करें, रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 40% के आसपास का है, 33% भारतीय एयरटेल का है, वोडाफोन आइडिया का 20% से भी कम का मार्केट शेयर है, जो कि लगातार गिर रहा है। एक और दिक्कत वाली चीज़ ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो बकाया है उसको चुकाएगी कैसे, फाइनेंसिंग कैसे होगी, इसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक की लगातार पिटाई हो रही है। 5G के मोर्चे पर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रही है। ब्रॉडबैंड के मोर्चे पर भी अगर हम रिलायंस जियो और अगर भारतीय एयरटेल से तुलना करें तो वहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देगी आपको। अगर हम 2019 में टेलीकॉम कंपनियों के एजीआर बकाए की बात करें तो उसके हिसाब डीओटी की जो मांग थी भारतीय एयरटेल से वो थी 43,980 करोड़ रुपए के आसपास की, और कंपनी की जो गणना थी यानी कि भारतीय एयरटेल की जो गणना थी उसके हिसाब से 13,000 करोड़ रुपए का बकाया बनता था। वहीं अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, 58,000 करोड़ रुपए के एजीआर की डिमांड की गई थी डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से, और जो वोडाफोन आइडिया का जो कैलकुलेशन था वो था 21,000 करोड़ रुपए का। ये 21,000 करोड़ रुपए अभी इन्होंने रिवाइज किया तो इनके हिसाब से 30,000 करोड़ रुपए की रकम बनती है, जबकि अब टोटल जो एजीआरडीओ है डीओटी के हिसाब से वो बढ़ के हो गया 70,000 करोड़ रुपए के पार का। तो ये टेंशन कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के शेयर धारकों के लिए ज़रूर है और इसके चलते पिटाई हो भी रही है। अच्छा, दरअसल एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो विवाद है ना, करीब करीब 20 साल पुराना है, 2005 से ही ये विवाद है। अब तक ये साफ साफ तय नहीं हो पाया कि परिभाषा क्या होगी। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में यानी कि डीओटी के पक्ष में अपना निर्णय दिया था और ये कहा था कि नॉन कोर रेवेन्यू को भी
टेलीकॉम रेवेन्यू में शामिल किया जाए और उसके ऊपर एजीआर की गणना की जाए। टेलीकॉम कंपनीज इसी का विरोध कर रही थी, उनका कहना था कि नॉन कोर रेवेन्यू को ना शामिल किया जाए, सिर्फ कोर रेवेन्यूज पर ही एजीआर की कंप्यूटेशन होना चाहिए। लेकिन झटका लगा था टेलीकॉम कंपनीज को और उस वक्त हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। कंपनियों को 10 साल की मोहलत भी दी गई है एजीआर चुकाने के लिए, फिर उस पर 2021 में एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई थी, वो भी क्वैश की गई। उसके बाद अब क्यूरेटिव पिटीशन जो 2023 में जो फाइल की गई कंपनीज की तरफ से, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब कि अब ये जो भी बचने के तरीके हो सकते थे एजीआर से, वो लगभग लगभग समाप्त हो गए हैं। और जिस तरह की फाइनेंशियल से वोडाफोन आइडिया की, निश्चित तौर पर एक बड़े मुश्किल की फिर से शुरुआत हो गई है। आप दोनों का ही इस पूरी खबर को समझाने के लिए झटपट एक छोटा सा टेक हम गौरांग का भी लेना चाहेंगे। गौरांग, खबर का जो इम्पैक्ट हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये कितना गहरा सकता है तमाम स्टॉक्स पर? देखिए, मेरा आकलन और मेरी समझ ये कहती है कविता, और अभी जैसे अभिषेक भाई भी पूरा विश्लेषण कर रहे थे, जो कमजोर कड़ी है यहाँ पर उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि एक राहत के तौर पर देखा जा रहा था अगर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इसको मंजूरी मिलती, लेकिन अब ये खारिज कर दिया है। तो इसमें कमजोर कड़ी कौन सी है? तो जाहिर है वोडाफोन आइडिया पहले से ही बहुत बड़ा बकाया बैलेंस शीट पे है, और अब ये एजीआर को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय का रूलिंग आई है उसको लेकर के मेरे ख्याल से परिस्थिति थोड़ी बहुत और कमजोर हो सकती है। तो अगर सबसे कमजोर और उसका असर आप देख रहे हैं करीबन 14.5% के आसपास नीचे की तरफ के स्तर वोडाफोन आइडिया में दिख रहे, अब ये जरूरी है कि अब ये इतिहास हो चुका है, ये रेवेन्यू मिलर में चला गया कविता। अब ये देखना अनिवार्य होगा कि मैनेजमेंट बाजार में आकर के बाकी अन्य जो सोर्सेज है उनके तरफ से पूंजी किस तरह से जुटाती है, क्योंकि अब इनको मेरे ख्याल से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एज अ डिस्क्लोजर, वोडाफोन आइडिया पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन ये भी अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेडिंग। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ मेरा दरअसल